आज चलते हैं एक मंदिर और उसका खासियत क्या है मंदिर का, चलिए जानते हैं। भैरवी और दामोदर की संगम पर स्थित रजरप्पा मंदिर देश विदेश में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस सिद्धपीठ की बड़ी खासियत ये है कि अपनी मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु बकरी की बलि चढ़ाते हैं। यहाँ पर रोजाना करीब 200 बकरी की बलि होती है और यहाँ पर देखिए हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं
प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लाइन में खड़े होने के लिए जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बत्ती चढ़ाने के लिए ले रहे हैं। और जो उनका बलि होता है, वो मंसिक जो जिसका रहता है, वो चढ़ाते देख सकते हैं। इस तरह लोग लेकर जा रहे हैं। देख सकते हैं हम लाइन में खड़े हैं। बहुत ज़्यादा लाइन भीड़ था, फिर भी बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ जमता है। और देख सकते हैं फिर भी लाइन बहुत ज़्यादा है। हम बहुत जल्दी गए थे, लाइन में जल्दी आ गए थे, लेकिन बहुत भीड़ था पूजा करने में। मेरा बेटा रोने लगा अंदर जाके, तो ये क्या है पता नहीं। अब सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए क्या है, मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद देखिए हम आ चुके हैं पूजा ये करने के बाद। और दूसरे साइड में मंदिर होते हैं, शिव जी होते हैं, वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूजा होते है और इस तरह है। मासे मासोत्तमी उत्तमी मासे सुभे सुजे अतिपता पंकज। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बकरी खड़ा है वहाँ पर बलि चढ़ता है ना। आवाज आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, वो इतना ब्लड देख के मेरा कुछ हो रहा था। इस तरह है पूजा। देख सकते हैं यहाँ पर बकरी को काटते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं उदार लक्ष्मी, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत है। आज मैं आई हूँ एक रजरप्पा मंदिर। अब देखा है पूजा हमारा।
पूजा करने के बाद हम जो दुकान में सामान लिए थे पूजा का, यहाँ पर हम सामान दे दिए, वो पैकिंग करके हम दे देगा। वो पूजा के सामान में जो दिया था एक पेड़ा था, बहुत सुंदर दृष्टि था। वो पेड़ा खास के बहुत मतलब अच्छे से बनाते हैं वहाँ पर। और बहुत सारा देखिए चूड़ा पूजा होता है, नारियल कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे थोड़ा देखने के लिए कि कुछ पूजा का सामान लेना है, तो मैं कुछ नहीं लाया, सिर्फ शंख लाया। शंख थोड़ा अच्छा था इसलिए शंख लाया। चूड़ी भी बहुत सारा वेराइटी था, बहुत सुंदर सुंदर था, इसलिए मुझे शंख पसंद आया तो मैं शंख लाया। फिर इस तरह था मेरा रजरप्पा का जर्नी और ब्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो चलिए पूजा हो गया है, ऐसे घूम फिर के फिर हम चलेंगे। कहाँ चलते हैं देखते हैं, कहाँ जाएंगे चलिए देखते हैं। जो पास में खाने के लिए होता है, मेरे बेटे को भूख लगा था तो सादा कुछ आइटम था, चावल था, साग था और कुछ पापड़ था, फिंगर फिंडा और सोयाबीन और आलू का करी था, ऐसा कुछ सब्जी था। उसको भूख लगा तो पास में था तो खाना खाने के लिए हम दे दिए थे। और इस तरह था और सामने का कुछ नज़ारा देख सकते हैं। उसके बाद हम चल गए, हमारा पूजा हो गया था तो हम निकल चुके हैं। और निकलने के बाद हम देखते हैं जाएंगे कहाँ। ढाबा दिखाई दिया तो हम खाने के लिए आ गए थे इस ढाबे में। देखते हैं चावल था, सैलेड था, मिक्स वेजिटेबल था, तड़का था, मिक्स वेजिटेबल पनीर था और पापड़ था, दाल था और आलू भिंडी का भुजिया था और उसके बाद पनीर चिली था। बहुत सारा आइटम ऐसे था, अच्छा लग रहा था ढाबा का खाना। घर के जैसा मतलब खाना जो था, घर के जैसा फीलिंग आ रहा था खाने में, अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और खाना होने के बाद हम घर निकल चुके हैं और अभी घर जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।